सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्त पर वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। असराय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कान कम हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं फौसिया चौधरी से। फौसिया बताइएगा, इजलास तलब किया है, ये कब होगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला है और इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। चीफ कमिश्नर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे और इसमें इजलास में दीगर तीनों मेंबरान की जो शिरकत है वो भी जराए का कहना है कि वो भी होगी और इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास की जो दौरा था उनका लैया का वो कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और इजलास की कल सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। जी, कमीशन का मशावरती इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। असराय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कान कम हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं फौसिया चौधरी से। फौसिया बताइएगा, इजलास तलब किया है, ये कब होगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला है और इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। चीफ कमिश्नर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे और इसमें इजलास में दीगर तीनों मेंबरान की जो शिरकत है वो भी जराए का कहना है कि वो भी होगी और इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास की जो दौरा था उनका लैया का वो कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और इजलास की कल सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। जी, कमीशन का मशावरती इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। असराय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कान कम हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं फौसिया चौधरी से। फौसिया बताइएगा, इजलास तलब किया है, ये कब होगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला है और इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। चीफ कमिश्नर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे और इसमें इजलास में दीगर तीनों मेंबरान की जो शिरकत है वो भी जराए का कहना है कि वो भी होगी और इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास की जो दौरा था उनका लैया का वो कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और इजलास की कल सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। जी, कमीशन का मशावरती इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। असराय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कान कम हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं फौसिया चौधरी से। फौसिया बताइएगा, इजलास तलब किया है, ये कब होगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला है और इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। चीफ कमिश्नर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे और इसमें इजलास में दीगर तीनों मेंबरान की जो शिरकत है वो भी जराए का कहना है कि वो भी होगी और इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास की जो दौरा था उनका लैया का वो कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और इजलास की कल सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। जी, कमीशन का मशावरती इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। असराय ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कान कम हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं फौसिया चौधरी से। फौसिया बताइएगा, इजलास तलब किया है, ये कब होगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला है और इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है। चीफ कमिश्नर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे और इसमें इजलास में दीगर तीनों मेंबरान की जो शिरकत है वो भी जराए का कहना है कि वो भी होगी और इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास की जो दौरा था उनका लैया का वो कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और इजलास की कल सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। जी।